मोहम्मद अली मिर्ज़ा, फरौडिया नंबर 912, वो कह रहा है कि जी मैं वहाँ से चलूँ, पिंडी से चलूँ, लाहौर तक आऊँ, 15,000-20,000-25,000 बंदा मेरे मुरीद इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, मेरे साथ ये भी करेंगे, मेरे साथ ये भी करेंगे, ये मैं तो रायवंड से बड़ा मस्जिद बना सकता हूँ। पिंडी से लेकर लाहौर की बेल्ट में मैं आपको आराम से 15,000-20,000 बंदे यहाँ इकट्ठे करके बता सकता हूँ, लेकिन मुझे बताएं 15,000-20,000 तो मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगे, हाथ भी मिलाएंगे, तो मैं तो रायविंड से बड़ा मरकज बना सकता हूँ इतने ज्यादा स्टूडेंट। वाह, यानी लोगों को किस लेवल के धोखे दे रहे। उसकी सारी पीरी इस बात पर है कि मेरे व्यूज इतने हैं, मुझे इतने लोग देखते हैं, उतने लोग मेरे 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 नीचे मेरे क्लिप के नीचे देखो मेरे व्यूज कितने हैं। और बेवकूफ इंसान, जा आतिफ असलम के व्यूज देख, आतिफ असलम के व्यूज देख, तेरे व्यूज लाखों में हैं, उसके करोड़ों में हैं, जाके उसकी बात कर ले। लोगों को बेवकूफ बना रहे। रायविंड का एक आदमी, रायविंड का वो एक आदमी जो साल का सफर कर रहा है, पठान, जिसको ना उर्दू बोलनी आती है ना जिसके बेचारे कुछ पता है, वो अपने घर की बकरियां बेच के आके अल्लाह के रास्ते में एक साल लगाया है। तेरे जैसे करोड़ भी इंसान हो ना मिर्जा, उसके पाँव की खाक नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, तुम व्यूज के लिए कर रहे हो सारा गेम, और तुम्हें अल्लाह तुम्हारे मुंह से निकलवाता है मेरे इतने व्यूज, मेरे इतने व्यूज, मेरे इतने व्यूज। ये फ्रॉड ये लोगों को बेवकूफ बनाया। आज यहां बैठ के जो देखो, याद रखो ये व्यूज का मामला ऐसा है कि जो कंट्रोवर्शियल बात करेगा, याद रखना, जो कंट्रोवर्शियल बात करेगा वो हिट हो जाएगा, बस ये आसान फार्मूला है, आसान फार्मूला मशहूर होने का, आप किसी न किसी के खिलाफ बातें शुरू कर दो। जो लोग इस मीडिया से लोगों के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बेशर्म सहाबा के खिलाफ बात करता है, सहाबा के खिलाफ बात करके मशहूर हो गए, और समझ तो मेरी कीमत लगेगी, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। कोई हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था इसका, अली तेरे कहने सुनने से कोई एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया तो कल तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। तू व्यूज ढूंढते फिर रहे हो, इतने व्यूज हो गए, इतने व्यूज हो गए, जाओ नाचने वाले गाने वाले एक गाना लगाओ उस पर, देखो उसके व्यूज कितने हैं।